उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने मुख्य अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम समय के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ते हुए टीम भावना के साथ समाज और देश हित के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जब सामूहिकता की भावना और टीम वर्क से प्रयास किए जाएंगे तो परिणाम भी उसी के अनुरूप सार्थक आएंगे। परिणाम ही प्रयास और तैयारी के स्तर की वास्तविक परिचय देता है। इसी बीच सीएम योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण को लेकर उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बचपन इंसेफेलाइटिस से दुष्चक्र में 1977 से लेकर 40 साल तक फंसा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। पहले उपचार की व्यवस्था नहीं थी, उपचार की व्यवस्था हुई, वैक्सीन आया तो वायरस ने अपना नेचर चेंज कर लिया। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो प्रदेश और केंद्र सरकार ने टीम भावना के साथ WHO, यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सहयोग तथा सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से मिलकर लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम रहा कि 40 साल की समस्या का समाधान 2 साल में हो गया। इसी कड़ी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज ही के दिन 10 वर्ष पूर्व उन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का जीवन प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरक है, खासकर उन युवाओं के लिए जो किन्हीं कारणों से असमंजस की स्थिति में रहते हैं।